अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास वन सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर टू। यूनिट नेम इज़ वेयर वी लिव एंड दी लेसन नंबर 2.1 टॉपिक दी सिटी। शहर ऐसी जगह जहां लोग रहते हैं। शहर में बड़ी इमारात स्कूल कॉलेजेस शामिल हैं। पाकिस्तान में चंद बड़े शहर हैं लाहौर कराची फैसलाबाद कोयटा। City is a place where people live. In a city, there are big buildings, metal roads, cars, buses, big markets, schools and colleges. Lahore, Karachi, Faisalabad, Quetta and Peshawar are big cities of Pakistan. Life in a city is very busy but comfortable. Karachi, Quetta, Lahore, Faisalabad, Peshawar. लेसन नंबर 2.2 दी विलेज। गांव, गाँव एक और ऐसी जगह है जहां लोग रहते हैं। गांव में घर मिट्टी के होते हैं। लोगों की ज़िंदगी सादा और सेहतमंद होती है। विलेज इज़ आल्सो अ प्लेस टू लिव। पीपल हु लिव इन विलेजेस वर्क इन फील्ड्स एंड फार्म्स। मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ मड। People keep animals like cow, buffalo, goat, sheep and horse. They use camel, bull or horse carts to travel. There are a few small shops in the village. Life in a village is simple but healthy. Lesson number 2.3 Important places, अहम मकामात। पाकिस्तान में बहुत से अहम मकामात हैं जैसा कि बस स्टॉप रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट। ये हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद देते हैं। देयर आर मैनी इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन अ सिटी। दीज प्लेसेस हेल्प अस इन मैनी वेज। अ बस स्टॉप रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट हेल्प अस इन ट्रैवलिंग। व्हेन वी आर इल वी गो टू द हॉस्पिटल एंड गेट मेडिसन। वी डू शॉपिंग इन मार्केट्स एंड मॉल्स। वी गेट एजुकेशन from schools, colleges and universities, hospital, market, shopping mall, school, college, university. Now we read the words meaning of unit number 2. Lesson number 2.1 the city words meanings. City, shahar, market, bazaar, busy, masroof, big, bada. लेसन नंबर 2.2 द विलेज। वर्ड्स मीनिंग्स विलेज गांव, पीपल लोग, मड मट्टी, लाइफ जिंदगी। बुक पेज नंबर 17 आंसर क्वेश्चंस। हैव यू सीन अ विलेज। यस आई हैव सीन अ विलेज। हैव यू सीन अ विलेज क्या आपने गांव देखा है। यस आई हैव सीन अ विलेज जी मैंने गांव देखा है। इन विच प्रोविंस is located the village you have seen। किस सूबे में आपने गांव देखा है। पंजाब। How many of your relatives in a village। आपके कितने रिश्तेदार गांव में रहते हैं। I have two relatives which live in a village। Lesson number 2.3 Important places words meanings important अहम help मदद ill बीमार education तालीम। बुक पेज नंबर 19 एक्टिविटी मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू लाइक एट अ सुपरमार्केट। 10 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि आप सुपरमार्केट में पसंद करते हैं। फर्स्ट फ्रूट्स ड्रेस शूज वेजिटेबल्स टॉयस बैग्स आइसक्रीम पिज़्ज़ा ग्लासेस केक। नाउ एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू यू लिव इन अ सिटी। क्या आप गांव में रहते हैं। यस आई लिव इन अ सिटी। यस आई लिव इन अ सिटी जी मैं शहर में रहता हूँ। डू यू लिव इन अ सिटी क्या आप शहर में रहते हैं। यस आई लिव इन अ सिटी जी मैं गांव में रहती हूँ। वेयर डू मोस्ट पीपल वर्क इन अ विलेज। गांव में लोग ज़्यादातर कहाँ पे काम करते हैं। पीपल हु लिव इन अ विलेज वर्क इन फील्ड्स एंड फार्म्स। लोग जो गाँव में रहते हैं वो ज़्यादातर खेती और काश्तकारी करते हैं। How do a bus stop and railway station help us? Bus stop और railway station हमारी कैसे मदद करते हैं क्या मदद करते हैं। A bus stop and a railway station help us in traveling. Bus stop और railway station हमें सफ़र करने में मदद देते हैं।
हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन एन एरोप्लेन और अ ट्रेन, क्या आपने कभी जहाज़ में या ट्रेन में सफ़र किया है? नो आई हैव नॉट ट्रेवल्ड इन एन एरोप्लेन और अ ट्रेन, नहीं मैंने कभी एरोप्लेन, जहाज़ या ट्रेन में सफ़र नहीं किया। बुक पेज नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ अ प्लेस वेयर पीपल लिव, सिटी इज़ अ प्लेस वेयर पीपल लिव। लाइफ इन अ डैश इज़ वेरी बिजी, लाइफ इन अ सिटी इज़ वेरी बिजी। वी गेट एजुकेशन फ्रॉम डैश डैश एंड डैश, वी गेट एजुकेशन फ्रॉम स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। अ डैश प्रोवाइड्स अ डॉक्टर्स एंड नर्सिस, अ हॉस्पिटल प्रोवाइड्स डॉक्टर्स एंड नर्सिस। वी डू डैश इन मार्केट्स एंड मॉल्स, वी डू शॉपिंग इन मार्केट्स एंड मॉल्स।